हाय फ्रेंड्स, मैं शिखा आपका चटोरी टीनू किचन में स्वागत करती हूँ। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ फारा, जो कि यूपी की एक फेमस डिश है और इसे आप अपनी लैंग्वेज में देसी मोमोज बोल सकते हैं। इसमें चावल के आटे की रोटियाँ बना के उसमें स्टफिंग करते हैं चने की दाल की। बट यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि मैं सूजी के साथ ये सूजी का डो बनाऊँगी और उसमें स्टफिंग करूँगी चने की दाल की। लोगों को बिलीव नहीं होता कि सूजी की का डो कैसे बनता है, तो आज हम बताएंगे सूजी का डो कैसे बनता है। पहले हम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। तो हमें चाहिए चना दाल। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से देखिए कि आपको कितना दाल चाहिए, कितना तीखा खाते हैं, गार्लिक चाहिए या नहीं चाहिए, वो सब आप अपने टेस्ट के हिसाब से देखिए। चना दाल, थोड़ी सी गार्लिक, जिंजर, ग्रीन चिली, ज़ीरा, लाल मिर्च, हल्दी, राई, रिफाइंड ऑयल, सॉल्ट, हींग, और ये मैंने चटनी बनाने का रखा हुआ है जिससे हम खाएंगे इसे। तो थोड़ी सी धनिया, टमाटो, ग्रीन चिली, जिंजर, गार्लिक, लेमन, एंड हमें डो बनाने के लिए चाहिए वॉर्म वाटर। तो अब हम डो बनाते हैं सूजी की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने सूजी को ले लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। इसे मिक्स करूँगी, फिर इसे वॉर्म वाटर के साथ में हमें भूनना है हल्का हल्का। तो थोड़ा थोड़ा ये वाटर लेंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। इस डो को हमें थोड़ा सा गीला रखना है क्योंकि सूजी फूलती है। तो इसे मिक्स करते जाइए अच्छे से। ये देखिए बहुत ही इजीली इसका डो बन गया है। जैसे नॉर्मल आटा गूंदते हैं वैसे ही इसे गूंदना है। बस डिफरेंस ये है कि इसे वॉर्म वाटर के साथ भूनना है। इसमें हम थोड़ा सा ऑयल लेते हैं। ये डो बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे रेस्ट भी रखेंगे 15 से 20 मिनट के लिए। हमने डो बना के रेस्ट पे तो रख दिया है। अब हम स्टफिंग रेडी करेंगे। तो स्टफिंग को हमें ग्राइंड करना है। तो चलिए, चने दाल को मैंने रात में भिगो के रख दिया था। आप चाहें तो गुनगुने पानी में 4 to 5 hours के लिए भी भिगो सकते हैं। और तो चलिए हम फारे की स्टफिंग बनाते हैं। और स्टफिंग के लिए इसको ग्राइंड करते हैं पहले। ये चना दाल मैंने इसमें डाल लिया है। अब मैं ये जिंजर, गार्लिक, थोड़ा ज़ीरा, ग्रीन चिली लेते हैं और इसको ग्राइंड करते हैं। यहाँ पे ये पेस्ट बन के बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसमें हींग डाल रही हूँ और ये थोड़ी सी सॉल्ट, अपने टेस्ट के हिसाब से डाल रही हूँ। यहाँ पे ये स्टफिंग बिल्कुल रेडी है। मैंने इसमें नमक और हींग को मिक्स किया है सिर्फ। अब मैं वाटर ले रही हूँ। वाटर में थोड़ा सॉल्ट ऐड करके उसे मैं बॉयल करूँगी। मैंने वाटर को बॉईल के लिए रख दिया है सॉल्ट और थोड़ी सी रिफाइंड डाल के। तो चलिए अब हम बनाते हैं फारे का सूजी के डो का पूड़ियाँ बेलते हैं। अब मैं अपने इस पर थोड़ा सा ऑयल लगा रही हूँ और अब ये डो से एक बॉल बना रही हूँ।
इसे डिप कर रही हूँ ऑयल में, अब यहाँ पे रख रही हूँ और फिर उसे रोलिंग पिन से जैसे पूड़ियाँ बेलते हैं या आप चपातियाँ बेलते हैं वैसे बेलना है। सूजी का डो गूंदना बहुत इजी है। ये बन गई पूड़ियाँ, अब मैं ये स्टफिंग इसमें ऐड कर रही हूँ। आप इसे कोई सा भी शेप दे सकते हैं बंद करने के लिए, मैं इसे ये शेप दे रही हूँ जो नॉर्मली लोग देते हैं। तो मेरा एक ये फारा जो आप देसी मोमोज बोल सकते हैं ये रेडी है बनके। मैं बाकी और भी ऐसे बनाने जा रही हूँ, और बनाने के बाद फिर हम जब मेरा वाटर बॉयल हो जाएगा मैं उसमें इसे बॉयल करूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सारे फारे बनके रेडी हैं और यहाँ पे मेरा वाटर भी बॉयल हो चुका है। तो अब हम इसमें ये वाटर में डालेंगे, बॉइलिंग वाटर में, और इसे तब तक बॉयल करेंगे जब तक ये ऊपर नहीं आ जाएगा बॉयल होके। मैंने यहाँ पे डाल दिया है, अब ये बॉयल हो रहा है। जब ये बॉयल होके ऊपर आ जाएगा फिर हम इसे बाहर निकालेंगे। जब तक मेरा फारा बॉयल हो रहा है तब तक मैं चटनी बनाने की तैयारी कर रही थी। तो चलिए हम चटनी बनाते हैं। मैंने धनिया, टमाटर, मिर्ची, लहसुन, गार्लिक, थोड़ा सा ज़ीरा, ये सारी चीज़ें इसमें डाल दी हैं। अब मैं इसे ग्राइंड करूँगी। मेरी चटनी ग्राइंड हो चुकी है, मैं ये थोड़ा सा लेमन डाल रही हूँ एंड मस्टर्ड ऑयल। मुझे मस्टर्ड ऑयल बहुत ज़्यादा पसंद है इसलिए मैं मस्टर्ड ऑयल ही नॉर्मली यूज़ करती हूँ, और चटनी वगैरह में अगर आप भी डाल के खाएंगे तो ये ज़्यादा टेस्टी लगती है। थोड़ी सॉल्ट, अब इसे मिक्स करते हैं। अब ये चटनी बिल्कुल रेडी है, चलिए हम फारे को देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बॉयल होके ऊपर आ गया है। तो हम इसे निकालते हैं और निकालने के बाद और ठंडा करते हैं। ठंडा करने के बाद में हम इसे थोड़ा सा तड़का लगाएंगे। तो चलिए इसे निकालते हैं, मैं इसकी हेल्प से निकालूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने निकाल लिया है। अब इसे थोड़ा ठंडा करूंगी, फिर कट करूंगी एंड फिर तड़का लगाऊंगी। तो अभी इसे थोड़ा ठंडा होने देते हैं। फ्रेंड्स, हमारे जो देसी मोमोज है, फारा है, वो ठंडा हो गया था, मैंने इसे कट कर दिया है। मुझे ये एज इट इज़ ऐसे ही पसंद है, मैं इसे ऐसे ही चटनी के साथ डिप करके खाती हूँ। बट मैं अभी इसे फ्राई करने वाली हूँ, सॉरी तड़का कर लगाने वाली हूँ। तो चलिए तड़का लगाते हैं। मैंने फ्राइंग पैन को गर्म होने के लिए रख दिया है, और उससे पहले हम इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सॉल्ट स्प्रिंकल करके इसे मिक्स करेंगे ऐसे ही हल्के हाथ से नॉर्मली, और फिर हम इसे तड़का लगाएंगे। तो मैंने इसे मिक्स कर दिया है, अब मैं तड़का लगाने जा रही हूँ। फ्राइंग पैन बिल्कुल गर्म है, तो अब मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ, और इसे गर्म होने के बाद इसमें राई का तड़का लगाऊंगी। ये ऑयल गर्म हो गया है, अब मैं इसमें हींग डाल रही हूँ थोड़ी सी। अब यहाँ पे मैं राई डाल रही हूँ, जैसे ही राई चटकने लगे अब इसमें मैं वो मिक्सर डालूँगी। मैंने इसे इसमें डाल दिया है, अब मैं इसे मिक्स करूँगी कुछ सेकेंड बाद ताकि ये नीचे से अच्छे से थोड़ा रेडिश हो जाए, फिर मैं इसे मिक्स करूँगी। फ्रेंड्स, हमारे फारे या देसी मोमोज जो भी आप बोलते हैं ये बिल्कुल रेडी है, और मैंने तड़का भी लगा दिया है। तो अब आप इसे खाइए, एंजॉय करिए, बताइए कैसा लगा। पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें अपनी चटोरी टीनू को, और अगर कहीं कोई कमी लगे तो प्लीज़ कमेंट करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग चटोरी टीनू।